नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जीटूस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारा माय डियर यूट्यूब चैनल है आपका सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियो मिल जाएंगे। आज माय डियर हम बात करने जा रहे हैं आपका, ये जो आपका वैकेंसी आई है DSSSB की, ठीक है। DSSSB में आपकी सिविल की JEE और AEE दोनों है, और भी ब्रांचेस की हैं, उसके हम आपको जल्दी से डिटेल बताएंगे। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 14/12/2019 से 10 बजे से स्टार्ट होगा, मतलब कल से स्टार्ट हो गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी जो है आपकी 14 से 13/1/2020 तक, और आपका लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 13/1/2020, ठीक है। 12 PM तक है आपका, 11:59 PM तक, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉल लेटर ऑन DMRC वेबसाइट आएगी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, आपके पास मेल और SMS भी आएगा, ठीक है माय डियर। तो ये आपकी डेट हो गई इम्पोर्टेंट, मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, ठीक है। आपका जो फॉर्म फिल किया जाएगा वो आपको डेट बताई दी गई। अब हम कैटेगरी वाइज सीट देखते हैं, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, और आप जिसमें अप्लाई करना चाहें, जनरल में अप्लाई करना चाहें जनरल में अप्लाई कीजिए। ये जो सेक्शन ए है माय डियर, सेक्शन ए वो रेगुलर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की है, इसमें रेगुलर भी वैकेंसी आई है और कॉन्ट्रैक्ट पे भी आई है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं वो रेगुलर बेसिस वाली कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आपका सबसे ऊपर देख रहा है असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर आपका इसकी इलेक्ट्रिकल की, असिस्टेंट मैनेजर ये आपका BTEC मांगेगा, ठीक है। हम सिविल की बात करते हैं, सिविल की और डाउन जाता हूँ मैं आपका, ये देखिए RE03, ये आपका सिविल है RE03 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर सिविल, आपका 50,000 से 1,60,000। ये आपकी SC की है 2 सीटें, ST की 1 सीट, OBC की 3 सीट, EWS की 1, और टोटल आप जनरल की 5, टोटल आपकी 12 सीटें। एक बार ऊपर देख लेते हैं, सही बताया कैटेगरी क्या है मैंने, ऊपर SC फिर ST फिर OBC EWS और UR, सही बताया मैंने आपको। तो ये आपका इसमें क्या मांगा है, देखिए मिनिमम 60% मार्क्स इक्विवेलेंट CGPA इन द BTEC सिविल फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफाइड वर्क एक्सपीरियंस। क्वालिफाइड करने के बाद आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन किस फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ये इन्होंने मैंशन नहीं किया। इसका मतलब आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस हो तो आप 2 साल का, और एज आपको इसमें बताई गई है 18 से 30 साल तक। इसका मतलब जो 2/12/1989 से पहले पैदा हुए हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है माय डियर। और इसके बाद आपका ये सब तो मैं पोस्ट नहीं बता रहा हूँ, जिसके काम की वो देख लीजिएगा, तो नोटिफिकेशन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। और आपका रेगुलर सेक्शन भी रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है आपकी, इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर सिविल भी है आपकी, ये जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। एनवायरमेंट में भी सिविल वाले भर सकते हैं, ये आपकी परमानेंट वाले जूनियर इंजीनियर सिविल में RE3 आपका 7 जो हैं वो SC की हैं, 7 ST की हैं, 15 आपकी OBC की हैं, 5 EWS की हैं आपकी, और 25 आपकी जनरल की हैं, टोटल आपकी 59। एक कैटेगरी क्या आ गई इसमें आइडिया ऊपर मैं देख लेता हूँ, पहला आपका SC, दूसरा आपका ST, OBC, EWS, और ये एक्स सर्विस मैन है माय डियर, आपका जूनियर इंजीनियर सिविल में 8 एक्स सर्विस मैन जो फॉर्स रिटायर होते हैं। टोटल आपकी 59 सीटें हैं, टोटल सिविल में कितनी सीटें हैं, 59, टोटल 59 सीटें हैं। इसमें देख लेते हैं आपका 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ठीक है, इन सिविल इक्विवेलेंट ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपका जूनियर इंजीनियर सिविल। और ये जूनियर इंजीनियर आपका एनवायरमेंट भी है, सेम ग्रेड पे है, एक SC की ST की नहीं है, 2 OBC की, 5 आपकी जनरल की, EWS नहीं है सर, और 1 XC सभी में टोटल 8 है। सिलेबस सेम रहता है, इसमें भी आपका सिविल ही मांगा है, सिविल मांगा है आपका, डिप्लोमा होना चाहिए आपका पास सिविल का, ठीक है। ये तो आपकी परमानेंट जॉब जो थी वो थी, ठीक है। अब ये आपका हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे भी है आपकी कुछ, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे ज़्यादा निकालिए, टोटल रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट सेक्शन एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 2 ईयर, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव है आपकी। इसमें देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, आपकी सिविल भी होगी, IT भी है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, ये रही आपकी। यहाँ देखिए सीटें बढ़ गई हैं, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्रथा चालू हो गई है, ये बहुत बुरी होती है कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें। 73
9 आपकी एससी की, 7 एसटी की, 20 ओबीसी की, 7 ईडब्ल्यूएस की और 30 जनरल की, टोटल 73। ठीक है, 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मिनिमम 60% मार्क्स इन द बीटेक सिविल फ्रॉम द, वही आपका बीटेक मांगा है क्योंकि आपके असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट बता रहा है। ऐसे ही ग्रुप डी में जो आपका सेक्शन डी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 2 साल का आपका, इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जूनियर इंजीनियर सिविल भी है। सिविल में आपका क्या है माय डियर, सिविल में देखिए आपका ये तो पे है 19 एस सी, 10 एस टी, 16 ओ बी सी, 13 ई डब्ल्यू एस, 81 और ये एक सर्विसमैन, टोटल 139। इसमें ही मांगा 3 ईयर इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम आर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये आपका है इसकी डिटेल और इसका पेपर पैटर्न कैसा आएगा वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तभी मैं वो वीडियो डालूँगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और इसमें कोई और मेन जानकारी है नहीं, और आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो बॉन्ड रहेगा, श्योरिटी बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड रहेगा आपका 3 लाख एग्जीक्यूटिव जूनियर इंजीनियर के लिए, 1.5 लाख प्लस जीएसटी। और ये आप देख लीजिएगा बॉन्ड है आपका, दो साल का है, कितने साल का है, श्योरिटी बॉन्ड अंडर एग्जीक्यूटिव फॉर एग्जीक्यूटिव श्योरिटी बॉन्ड फॉर, ये आपका ट्रेनिंग होती है इस वजह से है आपका बॉन्ड। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है वो आपको मे बी 2 साल का होना चाहिए, 2 साल का होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एस सी एस टी वालों को 5 साल की एज में छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल, ओबीसी में क्रीमी नॉन क्रीमी दो होता है, और फीस आपको शायद 500 जनरल की है और 250 शायद एस सी की है, जनरल ओबीसी और आपकी ये 5 साल है और 500 है और 250 है। माय डियर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो वेबसाइट में जाइएगा www.dellymetro.rail.com। आपको वीडियो कैसा लगा माय डियर, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, और इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।